अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद की तैयारी को लेकर रामगढ़ जिला कुजू मोरपा स्थित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जयवीर हांसदा व संचालक नरेंद्र रविदास ने किया। इस मौके पर महेंद्र रविदास, आदिवासी जन परिषद केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा, बलदेव मुर्मू, विष्णु लाल मुंडा, विक्रम कुमार टुडू, राजेश कुमार आदि मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने फैसले का निंदा करते हुए कहा कि आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति व जनजाति ये लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए पूरे भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। रामगढ़ जिला में भी जोरदार बंदी होगी। उन्होंने लोगों से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन आया है ST SC आरक्षण पर सब क्लासिफिकेशन का मैंने उपवर्गीकरण करने का जो फैसला आया है, इससे यह मानसिकता झलकता है कि जो ST SC के लोग हैं उनमें एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा है और इस तरह का एक्सपेरिमेंट 21 तारीख को जो भारत बंद का जो कॉल किया गया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ST SC आरक्षण का जो उपवर्गीकरण जो किया जा रहा है, इसके विरोध में ये पूरा भारत बंद है। क्योंकि ST SC समाज आज भी बहुत पिछड़ा है और उस पर अगर अभी वर्गीकरण ST SC समाज समिति के द्वारा हम लोग भी यहाँ से सभी सामाजिक संगठन ST SC के लोगों से आह्वान भी करते हैं कि तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जगहों में पूर्ण भारत बंद 2000 जैसे ST SC एक्ट के द्वारा 2 अप्रैल 2018 को जो बंदी हुआ था उससे भी बिहार बंदी हम लोग करेंगे। और ये सवाल सिर्फ ST SC के हक अधिकार हनन के लिए बार बार यहाँ के सरकार, यहाँ के मानववादी सोच के विचारधारा के लोग